ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 73वीं पुण्यतिथि है। ईयर 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यही कारण है कि 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई सभाएं आयोजित की जाती हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को 200 वर्षों की पराधीनता के बाद आज़ादी दिलाई। वे केवल एक नेता ही नहीं बल्कि एक निष्काम कर्मयोगी तथा सच्चे अर्थों में युग पुरुष थे। इस लेख के माध्यम से आप महात्मा गांधी के अनमोल विचारों को जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार थे, जिसके कारण इनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी केवल एक देश के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज एन ओशन। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ओशन आर डर्टी, द ओशन डजंट बिकम डर्टी। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लॉस योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली। द डे अ वुमन कैन वॉक फ्रीली ऑन द रोड्स एट नाइट, दैट डे वी कैन से दैट इंडिया हैज अचीव्ड इंडिपेंडेंस। व्यक्ति अपने विचारों से बना निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। मैं किसी को भी अपने गंदे पाँव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। आई विल नॉट लेट एनी वन वॉक थ्रू माई माइंड विद देयर डर्टी फीट। आँख के बदले मैं आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, यह एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इनडोमिटेबल विल। अपने ज्ञान पर ज़रूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। यह याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़ना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। मौन सबसे सशक्त भाषण है, धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। एक अच्छा इंसान हर सजीव का मित्र होता है। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। कमजोर कभी माफी नहीं मांगते। क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता है। किसी देश की संस्कृति लोगों के दिलों में और आत्मा में निवास करती है। कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। कुछ ऐसे सीखो जैसे कि तुम्हें हमेशा के लिए जीना हो। हो सकता है आप कभी ना जान सके कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े, पर हम उठ सकते हैं। लड़ाई से भागने से तो इतना अच्छा ही है। अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यह आदमी द्वारा तैयार विनाश के ताकतवर हथियार से अधिक शक्तिशाली है।
दुनिया हर किसी के जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाती है, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। मैं सिर्फ लोगों के अच्छे गुणों को देखता हूँ, ना कि उनकी गलतियों को गिनता हूँ। जब मैं निराश होता हूँ, मैं याद कर लेता हूँ कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग की ही हमेशा विजय होती है। कितने ही तानाशाह और हत्यारे हुए और कुछ समय के लिए वो अजय लग सकते हैं, लेकिन अंत में उनका पतन होता है। इसके बारे में हमेशा सोचो। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा महात्मा गांधी जी हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, उनके कितने सारे कोटेशंस हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़े मार्गदर्शक के रूप में साबित हो सकते हैं। बापू के बहुत सारे गीत हैं, जैसे वैष्णव जन और रघुपति राघव राजा राम। उन सारे गीतों को मन से याद करते हुए बापू को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।